टीवी पर इन दिनों नए नए शोज की भरमार है, तो वहीं कुछ शोज जल्द ही आने वाले हैं। इसमें सुहागन चुड़ैल, खतरों के खिलाड़ी 14, कृष्ण मोहनी शो शामिल है। लेकिन इसी के साथ चार बड़े शोज के बंद होने की खबरें भी अब सामने आ चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि ये सभी चार शोज कलर्स टीवी के हैं, जिन्हें जनता काफी पसंद भी करती है। इस लिस्ट में पहला नाम है सुहागन का, दूसरा नाम है कुछ वक्त पहले ही शुरू हुआ शो कयामत से कयामत तक, तीसरा शो है मेरा बालम थानेदार और चौथा शो है उडारिया। जी हां, दरअसल पिछले कुछ वक्त से इन सभी शोज की टीआरपी बेहद खराब जा रही है। कयामत से कयामत तक और मेरा बालम थानेदार, ये दोनों शोज कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हुए थे, लेकिन शुरुआत से ही शो की रेटिंग्स खूब मात खा रही है। वहीं उडारिया शो की टीआरपी लीप के बावजूद नहीं बढ़ पा रही। ऐसे में ये चारों शोज अंडर स्कैनर है, यानी कि इन टीवी शोज को काफी लो टीआरपी मिल रही है और ये खतरे के निशान पर है। खबरों में तो ये तक बताया जा रहा है कि आईपीएल के अंत के साथ ही चैनल इन शोज को लेकर कोई फैसला कर सकता है, यानी कि मई के अंत तक ये सभी शोज बंद किए जा सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बातें सामने आई है कि फिलहाल उडारिया को नए टाइम स्लॉट पर शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि इसके टाइम स्लॉट पर सलमान खान और देवतना साहा न्यू शो कृष्ण मोहनी को रिलीज किया जाएगा। लेकिन आने वाले एक से डेढ़ महीने में इन शोज की रेटिंग्स नहीं बढ़ती तो ये सभी शोज बंद हो सकते हैं। खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर आने वाले दिनों में किस शो की डूबती नैया पार लगेगी, कौन बच जाएंगे इस भंवर से और किस शो की नैया डूब जाएगी, यानी कि वो ऑफ एयर हो जाएंगे। आप इन चारों शोज को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी ओपिनियन दिल खोल कर शेयर कीजिए हमारे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में।